फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक फेशियल जिसे मैंने पपीते से किया है। सो अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, आपका फेस ड्राई है और आपकी आईज के अराउंड डार्क सर्कल्स हैं, तो इस फेशियल को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको काफी इफेक्टिव लगेगा और आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगा, आपकी स्किन को स्मूथ कर देगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसको भी अच्छे से नरिश कर देगा। सो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा कि ये मैंने कैसे किया है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स सर्कल से शेयर कर दीजिएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है एक पीस पपीता, ये बोल भर के, उसके बाद मैं इसे मिक्सी के जार में पीस लूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने लिया है एक कटोरी चावल, इसे भी मैं अच्छे से पीस लूँगी, बारीक पाउडर बना लूँगी। इस तरीके से इतना महीन पाउडर रखना है आपको। उसके बाद मैंने ये लिया है पपीता, इसमें से 1.5 स्पून लूंगी मैं, और इसमें मैं ऐड करूंगी मिल्क। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ क्लींजिंग। सो क्लींजिंग के लिए मैंने पपीता को लिया है 1.5 स्पून एंड लिया है 2 स्पून लिया है मिल्क, और इसे अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। अगर आपको नीड लग रहा है तो थोड़ा सा दूध आप और मिक्स कर सकते हो, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी। तो मैं फेस वॉश के लिए यूज़ कर रही हूँ प्योर रूट का पपाया फेस वॉश। आप कोई सा भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं। उससे अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है मसाज करके, और उसके बाद इसे आपको पानी से वॉश कर लेना है, ठंडे पानी से। तो मैंने फेस को वॉश कर लिया है, इसको पैट ड्राई कर लूँगी। उसके बाद मैंने जो मिक्सचर बनाया था उसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, पपीता और मिल्क का। सो इसे मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी और मसाज करूँगी। इसे आपको 1 से 2 मिनट के लिए मसाज करना है अच्छे से। उसके बाद मैं फेस को वॉश कर लूँगी। देन उसके बाद हम बनाएंगे स्क्रब। तो स्क्रब के लिए मैंने लिया है अगेन पपीता। तो इसके 1.5 स्पून फिर से मैं पपीता के लूँगी, जो मैंने पेस्ट बनाया था उसका पल उसके। उसके बाद मैंने जो चावल का आटा बनाया था उसको 1.5 स्पून इसमें ऐड करूँगी, 1.5 स्पून। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ हनी, आप हनी कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ ऐड करूँगी 1 से 2 ड्रॉप कोकोनट ऑयल, इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। देन मैं अपने फेस को हल्का सा वेट कर लूँगी। उसके बाद मैं स्क्रब को लूँगी और अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, और उसके बाद इसे आपको अच्छे से अपने फेस पे मसाज करना है। बहुत हार्ड नहीं, हार्ड हाथों से नहीं करना है, सॉफ्ट हैंड से आपको मसाज करनी है। एंड आपको अपनी नोज़ के अराउंड जहाँ आपको वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स होते हैं वहाँ आपको ज़रूर इसको मसाज करना है, ताकि वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स भी रिमूव हो जाएँ। और इसे अच्छे से मैं हल्के हाथों से मसाज कर लूँगी। फिर मैं इसको वॉश नहीं करूँगी, मैं यहाँ यूज़ करूँगी एक टाल, जो हैंकी जिसको हम यूज़ करते हैं अपने फेस को पोंछने के लिए, वो वाली हैंकी लिए। उसे मैंने गर्म पानी में अच्छे से भिगो के और निचोड़ लिया है। उसके बाद मैं इसे अपने फेस पे रखूँगी और इस तरीके से आपको प्रेस करना है अपने फेस पे गरम टाल को 2 से 3 बार, इसी तरीके से आपको भिगो के अपने फेस पे लगाना है। एंड उसके बाद मैं जो बचा हुआ
स्क्रब है उसको मैं इस तरीके से मसाज करके हटा दूंगी एंड फेस वॉश कर लूंगी। देन मैंने फेस वॉश कर लिया, उसके बाद पैड ड्राई कर लूंगी। देन उसके बाद मैंने जो पपाया का पेस्ट बनाया था तो मैं यहाँ ले रही हूँ 1.5 स्पून पपाया पेस्ट, उसमें थोड़ा सा हनी ऐड किया है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। इसका पेस्ट रेडी हो चुका है, उसके बाद मैं अपने फेस को हल्का सा भिगो के पैड ड्राई कर लूंगी। उसके बाद मैं ये जो मैंने पेस्ट बनाया है इसको अपने फेस पे अप्लाई करूंगी हल्के हाथों से। मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए अपने फेस पे ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ये हल्का सा ड्राई हो जाए। मैं इसे बिल्कुल ड्राई नहीं होने दूंगी। हल्का सा ड्राई होने के बाद तो गाइस मुझे 10 से 15 मिनट हो गया है इसको अप्लाई किए हुए। उसके बाद मैं इसे हल्का सा मसाज करके इसको फेस वॉश कर लूँगी। मैंने फेस वॉश कर लिया है, उसके बाद मैं इसको पैड ड्राई कर लूँगी। इसको मैंने 1 से 2 बार ट्राई किया है, उसके बाद ही मैं आपको इसके साथ इसके रिव्यू शेयर करूँगी। काफ़ी अच्छा फेशियल है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। You say you wanna try, but you